गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको मैथ के अंदर अंकीय गुणनखंड बताऊंगा, न्यूमेरिकल न्यूमेरिक फैक्टर, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग और गुणज, ठीक है भैया। सबसे पहले लिख दूं अंकीय गुणनखंड, इसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरिक फैक्टर। पेपर के अंदर सीधा पूछा जाता है 5-6 पॉइंट है इसके कि भैया ये इन गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ या उनका योग बताओ, ठीक है। ध्यान से देखियो, सबसे पहले लिखूंगा मैं यहां गुणन खंडो की संख्या, पहली चीज। दूसरी, सम गुणन खंडों की संख्या। पॉइंट नंबर 3, विषम गुणन खंडों की संख्या। 3 चीज हो गई। नंबर 4 लिखो, गुणन खंडों का योग। भाई गुणन खंडों की संख्या निकाल ली, अब गुणन खंडों का योग निकाल लेंगे। नंबर 5, सम गुणन खंडों का योग, आपका जो सम होते हैं ना इवन, उनका योग निकालना है फैक्टर के अंदर से। उसके बाद नंबर 6 है विषम गुणन खंडों का योग। तो ये तो हो गए, देखो शुरू के 3 तो हो गए, गुणन खंडों की संख्या निकालनी है, पहले सिंपल फिर सम और विषम, उसके बाद गुणनखंडों का योग निकालना है सम का और विषम का भी। 6 चीज हो गई। नंबर 7, औसत गुणनखंडों का औसत, ठीक है। पहले इतनी चीज देखते हैं, उसके बाद 4-5 पॉइंट और हैं वो और देखेंगे। तो 7 पॉइंट मैंने अभी तक आपको लिखे हैं, यहां मैं ये बता रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लो आपके पास 12 है, ठीक। पेपर में देगा कि 12 के गुणनखंडों की संख्या बताओ, या 12 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, या विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, योग बताओ, ठीक, या औसत बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप है इसके फैक्टर निकालना। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं देखो, यो 12 है, इसके फैक्टर कर लो। तो 12 के कितने फैक्टर हुए, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहां 1 होता है, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखियो, ये समझ लो 1 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बस मान लो 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इतनी बात ध्यान रखें। तो 12 के मेरे फैक्टर निकले 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, देखो 2 2 है तो 2 आ गए, 1 3 है तो 1 पावर 3 आ गए। इतनी बात समझ लो पहले कि 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे किसी भी संख्या के, ठीक। अब देखो सबसे पहले क्या है, गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं,
देखो ये जो फैक्टर है ना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, तो जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो इसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं, 2+1 गुणा इसकी पावर कितनी थ्री की, 1+1। इसकी पावर 2 थी, 2 की पावर 2 थी और 3 की पावर 1 थी, इसमें +1+1 जोड़ दिया तो इसका कितना होगा, 2 और 1 3 गुणा अरे कर 2, तो कितना हो गया, 3 2 6, तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। ठीक है, इतनी बात देख लो, गुणनखंड कैसे, संख्या कैसे आई, 12 6 कैसे आई, देखो ये 12 है तो ये 1 से जाएगा और 12 से जाएगा, 2 से जाएगा और 6 से जाएगा और 3 से जाएगा और 4 से जाएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 गुणनखंड हो गए, इसके अलावा किसी संख्या से जा रहा, इसलिए देखो 6 मैंने ऐसे निकाला, तो यो आसान है, यो आसान है, यो वाला आसान है ना। ठीक, अब आगे देखो, पहला तो आ गया गुणनखंडों की संख्या, अब पूछ रहा है कि सम, बोले तो इवन, इवन गुणनखंडों की संख्या, तो इवन इसमें क्या है, 2 है नहीं, तो इसे इवन बनाएंगे तो कैसे करेंगे, इस 2 को तो ऐसे लिखा रहने देंगे, इस 2 को जो 2 की पावर 2 है इसे तो ऐसे लिखा रहने देंगे, और किसे बनाना हमें इवन, इसे 3 की पावर 1 को, तो इसमें 1+1 कर देंगे, देखो भैया कितना हो गया, 2 गुणा 1 और 1 2 = 4, तो देखो सम गुणनखंडों की संख्या निकल गई 4। अब बात आई विषम की, विषम को क्या बोलते हैं, ओड, ओड फैक्टर निकाल लेंगे इस 12 के, ओड फैक्टर कैसे निकाल लेंगे भाई, 2 तो इवन है, इसे आपको छोड़ देंगे, जब विषम की बात चल रही है ना तो इसे छोड़ देंगे 2 की पावर 2, खाली 3 की पावर 1 को लेंगे, तो 3 की पावर 1 कितनी, 1+1 जोड़ दो तो कितना हो गया, 2। तो देखो विषम की बात होगी 2, सम की होगी 4, और इन दोनों को अगर, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, टोटल 6 था, सम इसमें 4 है और विषम इस फैक्टरों की संख्या 2 है। इतनी बात समझ में आई, अब चलते हैं गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं, पहले हमने संख्या देख ली, अब देखेंगे योग। अब देखो योग जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 1 है अपने पास है, तो पावर 2 है ना, तो योग में क्या करना होता है मेरे भाई, 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, जहाँ तक इसकी पावर होगी, इसकी पावर 2 तक है तो 2 तक करा, फिर गुणा लगा दो, 3 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करो, 3 की पावर 1, 1 ही तक तो है। ठीक, देखो इसका आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 का स्क्वायर 4 होता, ठीक, गुणा 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 और 1 3, 4 3 7 गुणा इसकी होगी 4, तो कितनी होगी, 28। तो गुणनखंडों का योग जो आया 28 आया। अगर हम वैसे करते बेसिक कॉन्सेप्ट से तो क्या करते भाई, 12 के गुणनखंड कर लो कितने थे, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4, इसको जोड़ियो, 12 6 4 3 2 1 जोड़ो, 12 6 18 4 22, 22 3 25 और 3 28, ऐसे निकला भाई, ये तो 2 अंकों की बात थी तो हमने ऐसे निकाल लिया, कल के दिन को 3 अंकों का आ जाए तो कैसे निकालोगे, ऐसे थोड़ा ही जोड़ोगे, ऐसे करना, 0 से स्टार्ट करना और जितनी उसकी पावर होगी वहां तक ही जोड़ना, ऐसी 3 की पावर 1 थी तो 0 से स्टार्ट करा और 1 तक मैंने लिख दिया, उसके बाद आपस में गुणा करिए, 7 6 28, तो ये 28 आ गया, ऐसे आया। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है, सम गुणनखंड का योग, एडिशन बताना है सम का, इसमें से सम का एडिशन बताना, तो सम का कैसे बताओगे, उसके लिए देखो क्या है, यहां से करते हैं स्टार्ट। ठीक, सम की बात चल रही है तो सम में आपका एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट है, पॉइंट क्या है, जब सम गुणनखंडों का योग निकलवाए तो 2 की पावर 0 से ना स्टार्ट करके 2 की पावर 1 से स्टार्ट करनी है सम से, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2
दो की पावर दो तक ही तो है, ठीक। ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर इनटू का मल्टीप्लाई का निशान लगाओ। अब बात किसकी, तीन की, उसकी हो रही तीन की, तो तीन की पावर जीरो, इसे तो तीन की पावर जीरो से स्टार्ट करना, इसे नहीं छेड़ना। तो देखो वन प्लस फोर, दो की पावर एक तो दो होता है ना, गुणा तीन की पावर जीरो वन प्लस तीन, तो कितना हो गया चार दो छः गुणा चार, ये हो गया चौबीस। इसका निकल गया चौबीस, गुणनफलों का योग अट्ठाईस तक, सम गुणनफलों का योग आ गया चौबीस। अब बात आई विषम की, तो विषम में देख लो भैया, विषम में क्या करना, जो इवन वाला है ना दो की पावर दो या कुछ भी दो की पावर हो उसको तो छोड़ देना, खाली सम वाले को लेना, जैसे यहाँ लिया था विषम गुणनफलों की संख्या में, तो सम की पावर कितनी, तीन की पावर जीरो प्लस तीन की पावर एक, कितना हो गया, कितना हो गया तीन की पावर जीरो, तीन की पावर वन प्लस के थ्री इक्वल टू फोर। तो देखो टोटल गुणनखंडों का योग कितना था अट्ठाईस, सम का कितना हो गया चौबीस और विषम का कितना हो गया चार, तो चौबीस और चार अट्ठाईस, देखो हमारा करेक्ट है एकदम, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो हमने छह चीज सीखी, क्या गुणनखंडों की संख्या निकालना, फैक्टर के अंदर ही सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, उसके बाद एडिशन देखा हमने यहाँ, एडिशन फैक्टर का एडिशन कैसे होता है, उसके बाद इवन इवन एडिशन देखा और विषम एडिशन देखा। अब बात आई गुणनफलों का औसत कैसे निकालते हैं, औसत क्या होता है एवरेज, एवरेज कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की कुल संख्या, इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लो, गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। तो देखो भैया गुणनखंडों का योग कितना है मेरे पास, 28 लिख लो। अब गुणनखंडों की संख्या कितनी मेरे पास 6, तो कितना हो गया भाई 28 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 14 बटे 3, मतलब कि 3 × 12 = 2, ये आंसर हो गया। चाहे तुम इसे पॉइंट में लिख लियो भैया ये ऐसे लिख लो 4 × 2 = 3, ठीक है, ये होता है एवरेज गुणनखंडों का। तो मैंने 7 पॉइंट आपको बताए, अब मैं अगले 4-5 पॉइंट और बताऊंगा, ठीक है। इसे देखो यहां बता दूं, चलो यहां बता देता हूं, है ना, पॉइंट नंबर 7-8 देखो, पॉइंट नंबर 8 में क्या है, मान लो पूछने लगे कि 12 के अंदर 12 था ना मेरे पास, कितना था 12, इसके फैक्टर कितने हो रहे थे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, यही हो रहे थे। अब पूछने लगे कि गुणनखंड के अंदर 2 के गुणज, दो के गुणज कैसे निकाल लोगे, दो के गुणज क्या होता है कि जो दो से भाग हो। तो देखो गुणज की संख्या पूछने लगे, तो गुणज की संख्या पूछने लगे तो कैसे करोगे, देखो भैया 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है ना, तो देखो 2 के गुणज निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 2 तो ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 2 की बात चल रही, किसी के भी गुणज निकलवाए उसको कॉमन बाहर रखना है, अंदर क्या बचा 2 की पावर 1 बचा गुणा 3 की पावर 1 बचा, यही बचा। इसके अगर गुणज निकाल लें तो इसकी पावर जो 2 की पावर 1 है इसमें 1 प्लस कर दो, और 3 की पावर 1 थी इसमें भी 1 प्लस कर दो, तो 2 गुणा 2 इक्वल टू 4,
तो दो के जो गुणज है ना इसके अंदर चार है, कैसे है ये देख लो, बारह है, बारह है ना, बारह। तो देखो यू कितनी बार जाएगा, एक गुणा बारह, दो गुणा छः, तीन गुणा चार। तो इसमें दो के गुणज कौन कौन से हो गए, देखो एक तो बारह हो गया, एक छः हो गया, एक दो हो गया, एक चार हो गया। तो देखो चार होगा नहीं होगा, होगा नहीं, ठीक। अब मान लो पॉइंट नंबर नाइन में वो पूछने लगे गुणनखंड में तीन के गुणज, तीन के गुणज, गुणज की संख्या, तो कैसे करोगे, तीन को कोमल लोगे, तीन को कोमल लोगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा दो की पावर दो, यही बचेगा ना। तो देखो दो की पावर दो था, इसे लिख लो टू प्लस वन, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। तीन के गुणज की संख्या, रुक जाओ, तीन के गुणज की संख्या ऐसे नहीं निकलेगी, एक सेकेंड। हाँ तो देखो क्या है, गुणनखंड में तीन के गुणज की संख्या निकालनी, तो कैसे करेंगे, तीन कोमा रख लो, अंदर क्या बचा, दो की पावर दो बची, इसे नीचे रख लो, तो पावर कितनी है टू प्लस वन कर दो, तो कितना हो जाएगा तीन। तो इसमें जो गुणनखंड में तीन के गुणज कौन कौन से हो गए, तीन हो गए, कौन कौन से हो गए तीन देख लो, यो बारह है तो एक गुणा बारह, दो गुणा छः और तीन गुणा चार। तो देखो तीन तो बारह से भी तीन कटेगा, तीन बारह से भी कटेगा, तीन तीन जो है बारह को काट देगा, छः को भी काट देगा, अपने आप को भी काट देगा। तो देखो तीन गुणज हो गए नहीं, तो जिसका गुणज निकालना होता उसके पहले कोमन करते हैं गुणनखंड के अंदर से, फिर जो एक्स्ट्रा बचता है उसकी जितनी भी पावर होगी उसमें प्लस के वन कर दो, तो वही आपके गुणज निकल जाएंगे, ठीक है। नौ पॉइंट हो गए, अब चलते हैं एक दो पॉइंट और रह गए, बोर्ड देख लो, यही देख लो है ना। पॉइंट नंबर टेन है, पॉइंट नंबर टेन क्या है कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, स्क्वायर हो। तो देखो गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन भी पूछ सकता है, पूर्ण वर्ग भी पूछ सकता है, तो पूर्ण वर्ग क्या है, इसमें दो का स्क्वायर है ना, तो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी भाई, दो का पूर्ण वर्ग है नहीं, तो टू प्लस वन प्लस वन पूर्ण वर्ग, तो क्या एक, वन प्लस वन इक्वल टू टू, बस इतना ही था। अब अगला एग्जाम्पल लेंगे तो तब बात करेंगे। बहरहाल गुणनखंडों की संख्या देख लो, सम गुणनखंडों की संख्या देख लो, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंड में जो दो के गुणज की संख्या निकालना हो या तीन के गुणज या किसी के भी गुणज, सात के आठ के, वो क्वेश्चन के हिसाब से। और गुणनखंडों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो वर्ग कितना है एक भाई, दो का स्क्वायर चार हो गया ना, पूर्ण वर्ग कितना, एक तो एक हो गया और एक ये दो हो गया, दो दूनी चार, तो ऐसे निकलता, ठीक है। ये दस पॉइंट थे भैया, इसे देख लो, आज के लिए इतना ही है।